लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे, ओए, 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 ओए। माफ करो, छुट्टा नहीं है। पहचान लिया। बर्बाद हो गया ना पूरी तरह, जब से तुम लोगों का मनहूस हाथ लगा है। क्या बोला? मतलब मैंने जब से तुम लोगों को देखा है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, खाने तक को कुछ नसीब नहीं हुआ। दे रे खाने को, दे ये ले। अरे नहीं चाहिए, ये मुझे काम चाहिए, काम। हम लोग तो फंदेबाजी का काम करते हैं। मालूम है, मैं भी वही करता हूँ। तभी तो तेरे को लूटा हम लोगों ने। ठहर, मैं जरा अपने CKF में देख लूँ। CKF क्या? ये चोरों की फाइलें, जैसे पुलिस के पास बेईमानों का रिकॉर्ड होता ना, तो हम लोगों के पास चोरों की फाइलें, उन लोगों को लूटते हम लोग। अच्छा अच्छा, जैसे ये सेठ बोगड़मल। बोगड़मल इसके पास बहुत बड़ी जमीन है, ये इसको बेच के इनकम टैक्स का घपला करके इधर से फूटने के चक्कर में। अच्छा, इसका क्या करेंगे हम लोग? मैं वहां पर नकली जमीन का दलाल बनकर जाऊंगा। देखो ब्रोकर भाई, 50 लाख में सौदा करा दो तो बहुत अच्छा रहे। क्या बोलता नहीं, इतना डड और सुटो जमीन, सिर्फ 50 लाख? अरे चरिया, तो के जमीन जा कदर नहीं। देख, अगर तेरे पास गाहक हो तो ला, अपना 2% कमीशन ले, नहीं तो जन्म जा। मेरे पास एक सुटो सुटो डाडो सुटो सुटो डाडो डाडो सुटो करोड़पति सेठ है नी। आहा, आ गया। अरे वेलकम वेलकम साई। क्या क्या जमीन? अरे सेठ, ये तो है राज जमीन। आ जमीन जी, ए दलाल, मैं तेरे को क्या बोला होता, मेरे को बंगला बनाने को जमीन चाहिए, रूमाल बिछाने को नहीं। ये कौन फकीर का जमीन है? फकीर नहीं साईं, ये चरिया भी बंबई का बहुत बड़ा सेठ है, सेठ भोगड़मल। भोगड़मल टमेरा माफिक, टमेरा नंपन मोटा छे, पर जमीन बहुत छोटा छे। सेठ जी चलो। सेठ जी, मारे कने यही जमीन है, लेना हो तो लो, एक आध दिन में फैसला करो, मारे को जाना है। हाथ नीचे, कैम सरकार का घपला करके जाता है क्या? नो प्रॉब्लम, मैं पन घपला करता है, बट आई नो ऑलरेडी पेंट्रा दिन लफड़ा दिन घपड़ा फ्रॉम बोगला टू चोपड़ा रमन पड़ी के। मारे को अंग्रेजी नहीं आवे है। नटियावाटी मने पन नटियावाटी, पन हूं सु करू, आई टॉक विद अ डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट स्टाइल विद अ डिफरेंट टाइम विद अ डिफरेंट डे विद अ डिफरेंट नाइट विद अ डिफरेंट सीजन डिफरेंट सेंचुरी डिफरेंट मोमेंट। बनकर खलास हो गया, समझ पड़ी के? ये मेरे जो दिमाग वाले की बात है, तेरे साथ बड़े दिमाग को समझ कांडा नहीं आएगा। ए दलाल, सो करे चिड़ो ऊपर है ना, सो करे, ये जमीन मेरे को जमा, पर इसको ऊपर कचरा बोट, इसको बाहर निकाल। साई कल तक सुट्ठो साफ करा देगा। नहीं चिड़ो ऊपर झोपड़ा मल भोगड़ मल रेवा डे ने तारा बापा नू सो जाए, झोपड़ा हो के भोगड़ा हो बराबर जगह नटी। ये जमीन का कीमत कितना है? 60 लाख। डन, चलो मान जो, तो परसों हूँ आवी ने, एनो कब्जो ले ही लेज। पर अभी तभी एक काम करो, ये एडवांस कांडर 50,000 रुपया मिठाई खाने को रखो। 50,000? मारा पास 25 लाख रुपया हटू, पर उसू की तो आधे टाइम ना एक अनाथ आश्रम मिला तो उसका अंडर डांड दे दिया। 25 लाख डांड तो आप पड़ते ने, मैं कौन? सेठ बोमन जी, रामन जी, कान जी, नान जी, पहचन जी, पोलन जी, नट बोल्ट सोडा वाटर बोतल ओपनर वाला, हमारा नाम से एड्रेस नटी है, मेरा नाम सुनकर तेरे को सेंसेशनल करंट मारा, तो हूँ चालू ऑल दी वर्स्ट। तैने मारी जमीन, सोने बाप बिकवा दी। वो तो बराबर है साई, लेकिन इधर कचरा कितना पड़ा है। नहीं चलो, कल सुबह मजदूर लेकर आते हैं साफ कराने को। अरे मेरी जमीन पे झोपड़े कहां से आते? अरे क्या साईं, तुम वादा आशा के साथ किया और जमीन इन लोगों को बेच दिया, चरिया। अरे नहीं भाई ब्रोकर, मैंने जमीन किसी को भी नहीं बेची, न जाने ये कौन लोग हैं और एक रात में कहां से ये बस्ती बसा के बस गए। बड़ी क्या बात करता है नहीं, चलो मेरे साथ। डरवा से टेम टेम की बात है, अपन जब 10 साल पहले इधर आया था तो कुछ भी नहीं था। क्या बोल भेला बापू, कुछ भी नहीं था। अरे आप देखो मकान ही मकान है। अबे क्यों झूठ बोल रहा है तू, 10 साल पहले यहाँ आया था, अबे कल रात तक तू यहाँ कुछ भी नहीं था। क्या बात कर रहे लाल सेठ,
आप उनको इधर आए हुए 10 साल हो गया, यकीन नहीं आता तो राशन कार्ड दिखाए ना, उस साल पुराना है। अबे झूठ बोलता है, मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है, मैं अभी पुलिस में जाकर तेरा कंप्लेंट लिखा के आता हूँ। ऐसा नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएंगी। अगर तुम पुलिस में गया नहीं तो समझो कि ये जमीन तुम्हारे हाथ से गई। मैं क्या करूँ, मारू को तो चक्कर आवे है। साई वो डंडो सुठो पारसी सेठ तुम्हारा 50 लाख का जमीन का 60 लाख रुपए देता है नी। हाँ। तुम्हें कितना जास्ती प्रॉफिट होता है नी? 10 लाख। हाँ साई, एक को कम कर, उस 10 लाख में से 5-6 लाख रुपया इनको दे दो नी, और जमीन वापस कब्जे में ले लो नी। अरे पीछा छोड़ाओ नी, अरे कल आके वो पारसी सेठ तुमसे तुम्हारा जमीन ले लेगा नहीं। अरे तुम समझना कि तुम्हारा जमीन 60 लाख रुपए में नहीं तो 55 लाख में बिका नहीं। बात तो तुम ठीक बोलो हो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम उनसे बात करके उन्हें चलता कर दो। सुठो, अब इसमें 5.5 लाख रुपए हैं। अरे चरिया तुम चिंता नहीं करना नहीं, कल सुबह आके वो डांटो सुठो पारसी सेठ से 60 लाख रुपए ले लेना नहीं। अब जाओ नहीं, मैं जमीन खाली कराता हूँ नहीं। अरे जाओ, क्या ढुकर अली। अरे सुठो, क्यों प्रसाद बाबू सब काम ठीक ठाक किया ना? अरे बहुत बढ़िया, ये रहा तुम लोगों का हिस्सा, पूरे 10,000 रुपए। अगर कोई काम होगा तो बताऊंगा जी। जाओ ऐश करो और ये जमीन खाली करा दो। यस सर। पारसी सेठ अभी 60 लाख रुपए लेके आता ही होगा। कितना फ्रॉड बाप है मेरा, ये यहाँ पर आराम से लेटा हुआ है और वहाँ पर भोगड़ माल इनके 60 लाख का इंतजार कर रहा है। वहाँ इंतजार नहीं कर रहा होगा, धूप में पक गया होगा और अभी तो फूट फूट के रो रहा होगा कि मेरा 5 लाख रुपया डूब गया। मारो 5 लाख रुपए और डूब गए, लगता है वो लोग आएंगे नहीं। ये ले चला इश्कर। रवि दादा क्या एक दिन का बोल के गए थे इतने दिन लगा डाले, वो सूट वाला है ना, उसने तुम्हारे नाम की बोमा बोम कर रखी है। क्या करूं जूनियर, बहन ने रोक लिया था लेकिन आज मैं उसे आंख नहीं मिला सका। वो बार बार मेरे काम के बारे में पूछती है और मैं बार बार झूठ बोलता रहता हूं, लेकिन एक ना एक दिन उसे मेरी असलियत के बारे में मालूम पड़ जाएगा, तब क्या बीतेगी उस पर। क्या करें रवि भैया, साला अपनी जिंदगी जैसी है, अगर अपन के माँ बाप होते ना तो कौन ऐसे गंदे धंधे में पड़ता। लेकिन तुम्हारी तो माँ है ना, कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे बचपन की कोई बात याद नहीं। हाँ याद है तो सिर्फ इतना याद है कि मेरी माँ हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। बाय मम्मी। बाय रवि। उसका चेहरा हमेशा मेरे सामने रहता है, अगर मैं उसे लाखों में भी देख लूं ना तो मैं उसे पहचान लूंगा, लेकिन पता नहीं अब वो कहां है, किस हाल में है।